नमस्कार साथियों, कोरोना का ये दूसरा काल बहुत खतरनाक और दुखदायी है। इस संक्रमण को सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही कम या ख़त्म कर सकते हैं और कोई नहीं। कोई भी सरकार हो, उन्होंने आग्रह किया कि बेवजह नहीं घूमना है, लॉकडाउन रखना है। प्रशासन ने कहा, आपके किसी नेता ने कहा, परिवार के सदस्य ने कहा, लेकिन हम अपनी वही जिद पे अड़े हुए हैं। 36 कौम के लोगों को नुकसान हो रहा है, किसी न किसी के घर से कोई अनहोनी घटना का समाचार प्राप्त होता है। मेरा निवेदन सभी समाजों के साथ साथ विश्नोई समाज के युवाओं से है और साथ साथ बड़े बुजुर्गों से है। अब आप लोग भी थोड़ा चिंतन मनन करो। शादी समारोह अभी भी चल रहे हैं, उनको स्थगित करो। कई फोन आते हैं, परमिशन दिलाओ, उनको जब मना करते हैं वो गुस्सा होते हैं, लेकिन समझ कोई नहीं रहा है। अपने आसपास देखो कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन हम एक बेजुबान के लिए या एक पेड़ के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो धरातल पे हो या सोशल मीडिया पे हो। हम पीछे नहीं रहते, लेकिन एक इंसान के लिए हम चुप है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो है उसे स्वीकार करना होगा, अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा के साथ मजबूत करना होगा, समय के साथ फिर चलना होगा। हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अगर भगवान ना करे, लेकिन किसी घर के अंदर आज के समय में चाहे वो कोरोना से मृत्यु हुई हो या कोई दूसरे कारणों से, तो अंतिम संस्कार के समय थोड़ा दूर बैठें और औरतों को समझाएं, क्योंकि विलाप करने से क्या पता कौन कोरोना से पॉजिटिव है और पहले ही बहुत अनहोनी हो चुकी है और अब आप साथ में विलाप करते हो, तो ये वायरस कई जगह या जितने भी लोग वहाँ आए हैं वहाँ दूसरों को भी नुकसान दे सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि किसी में लक्षण दिखे और वो ही पॉजिटिव हो, बिना लक्षण के भी पॉजिटिव आ रहे हैं। बुरा मत मानना, बात को स्वीकार करो। अगर समय के साथ चलना है, आने वाली पीढ़ियों को देखना है, तो समय के साथ जो मांग है उसको स्वीकार करो, अपने आप को मजबूत करो। करना ही पड़ेगा और किसी न किसी को ऐसे खरे शब्द कहने पड़ेंगे, आज भले ही वो बुरे लगे, लेकिन शायद बाद में जब इसका चिंतन होगा तो ऐसी बातें सच लगती है। धन्यवाद।